बिग बॉस सीजन 13 में देखने को मिल रहा है कि वीकेंड के वार पर भी मस्ती देखने को मिली और उससे पहले भी इसकी शुरुआत हो चुकी थी और ये शुरुआत हुई थी देवोलीना भट्टाचार्य और सिद्धार्थ शुक्ला के रोमांस की। जी हाँ, यहाँ देवोलीना यूं तो सिद्धार्थ शुक्ला से बहुत ही ज्यादा टक्कर की दुश्मनी रखती थी और ऐसे में उसके साथ खूब गाली गलौज भी वो करती थी, लेकिन पूरी तरीके से बदलती हुई घर के अंदर नजर आ रही है देवोलीना, जहां घर वालों ने उन्हें एंटरटेनमेंट का टैग भी दे दिया। देवोलीना हो गई इस बात पर बहुत ही ज्यादा खुश, लेकिन भाई कितने वक्त तक चलेगा एंटरटेनमेंट का ये टैग, यहाँ असली रूप तो सामने आना ही था और जो आखिरकार सामने आ भी चुका है। बिग बॉस के आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि देवोलीना फिर से भड़कती हुई नजर आएगी, गालियां देती हुई दिखाई देंगी और खूब सुनाएंगी घर वालों को, कुछ सदस्यों को, जिसके पीछे की वजह क्या है चलिए आपको बता देते हैं। दरअसल घर के अंदर खेला जाने वाला है आज चोरों का टास्क। यहाँ पर रॉबर्स बनती हुई सामने आएगी देवोलीना भट्टाचार्य और शेफाली जरीवाला। आज शेफाली और देवोलीना के बीच एक मुकाबला होगा। इस कार्य में शेफाली और देवोलीना चोर होंगी। ये दोनों यहाँ चोर बनेंगी और इनकी होगी अपनी अपनी टीम भी। जिस हिसाब से यहाँ पर ये जो दोनों चोर बनी हैं, ये दोनों चोरी करती हुई तो यहाँ पर आएंगी ही आपको नजर। दोनों की चोरी वाला टास्क रोकने की कोशिश करते हुए घर वाले अपने हिसाब से नजर भी आएंगे। नॉमिनेशन के बाद खेला जाने वाली ये टास्क आप सभी को घर के अंदर खूब मस्ती दिखाने वाला है। शुरुआत तो मस्ती के साथ होगी ही और इसी मस्ती भरे मूड के अंदर सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम और शहनाज जाकर देवोलीना को बाथरूम में बंद कर देंगे। जब वो वॉशरूम में होगी तो बाहर से कुंडी लगा दी जाएगी। देवोलीना बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाएगी। पहले वो बोलेंगी बहुत ही आराम से कि मेरा गेट खोल दो, लेकिन घर वाले नहीं सुन पाएंगे। यहाँ देवोलीना के दोस्त भी उस वक्त बाथरूम में मौजूद नहीं होंगे। देवोलीना को गुस्सा आएगा और वो जोर जोर से दरवाजे पे अपना हाथ मारना शुरू कर देंगी, जिसके बाद बाहर वालों को सुनाई देगा कि देवोलीना चिल्ला रही है, बाथरूम में बंद है, गेट को खटखटाई जा रही है। देवोलीना के पास उस वक्त अगर कोई नहीं आ पाएगा तो उन्हें और ज्यादा गुस्सा तो आना ही है, और ऐसा हुआ भी। देवोलीना को यहाँ बाथरूम से बाहर निकाला गया और बाहर आते ही वो बहुत ज्यादा गाली गलौज करती हुई सामने आई। वो बोलती हुई दिखाई दी कि कोई बेशरम है वगैरह वगैरह बोलती हुई गालियां देती हुई उन्हें ये देखा गया कि उन्होंने कहा कि तुम भी ऐसे बाथरूम में बंद हो जाओ, मैं देखती हूँ कितनी स्मेल को तुम सहन कर सकती हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? इस तरीके से मस्ती भरे इस पूरे टास्क को तुमने बेकार कर दिया है। यहाँ इतनी गालियां इस बीच वो देने वाली है कि बिग बॉस तो उन्हें बीप 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 करते ही आपको सुनाने वाले हैं। देवोलीना की यहाँ इस हरकत को देखते हुए फिर से हैशटैग यहाँ यही चल रहा है, देखिए देखिए बहू बनी डायन फिर से आ चुकी है सामने। सोशल मीडिया पर हमेशा ही ट्रॉल होने वाली देवोलीना भट्टाचार्य घर के अंदर जहाँ अपने रवैये को अभी चेंज करती हुई देखी जा रही थी, तो वहीं पुरानी देवोलीना एक बार फिर से वापस आ चुकी है और सिद्धार्थ शुक्ला के साथ जो उनका रोमांस चल रहा था वही अब लड़ाई में एक बार फिर से वो बदलने वाला है। वाला आज के एपिसोड को देखने के बाद ही पता चलेगा कि इस हरकत के बाद कितने बदलाव देखने को मिलते हैं अब इन सभी के गेम प्लान्स में। क्या कहना है इस बारे में आप सभी का, सिद्धार्थ ने जो देवोलीना के साथ किया है वो कितना ठीक था या नहीं, और देवोलीना की जो हरकत है गाली देने की वो कितनी ठीक है कितनी नहीं, कमेंट करके जरूर बताएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाएं।